श्री अन्न यानी मोटे अनाज के ब्रांड एम्बेसडर से आपको मिलवाते हैं। ये है बैगा जनजाति की लाहरी बाई, मध्य प्रदेश का डिडौरी जिला और उसका सिलपदी गांव इनका पता है। आसपास के क्षेत्र में इनका पता मोटे अनाज के बीज भंडार के रूप में बन चुका है। ग्रामीण आवास योजना से बने इस दो कमरे के मकान का एक हिस्सा पूरी तरह से बीज भंडार में तब्दील हो चुका है। यहाँ कुटकी, सनवा, मड़िहा, कुडू जैसे दुर्लभ और छोटे मोटे अनाज के बीज सहित कुल 150 किस्म से ज्यादा बीज हैं। हमारे यहाँ जो बीज बोते थे वह विलुप्त हो गए थे, जिन्हें बचाने के लिए हमने विलुप्त हुए बीजों को अन्य गांव से लेकर आए और उनका उत्पादन किया, किसानों को बीज बांटे और फसल आने पर उन्हें वापस लिया, जिसके बाद आज 16 तरह के विलुप्त बीजों को फिर से वापस पा लिया है। वैसे तो हमारे पास 30 किस्म है, लेकिन बाकी बहुत आयत में है। लाहरी बाई ने इन सभी फसलों को अपने खेतों में उगाया और उसके बीज को संरक्षित किया। इनका ये सफर अब एक दशक से ज्यादा का हो चुका है। इन्होंने अपने गांव के किसानों के अलावा तकरीबन 54 गांव के लोगों को मुफ्त में बीज उपलब्ध कराए। मोटे अनाज के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में लाहरी बाई के योगदान को देखते हुए ढिंडोरी के जिला अधिकारी विकास मिश्रा ने इनका नाम भारतीय कृषि अनुसंधान के जोधपुर केंद्र में स्कॉलरशिप के लिए भेज दिया है। 400 से 500 किसान होंगे आसपास के गांव के, जिनको इन्होंने बीज दिया हुआ है और उन्होंने अपने यहाँ पे, बहुत बड़े एरिया में तो नहीं कहूँगी, पर फिर भी उस बीज को संरक्षित करने के हिसाब से उन्होंने छोटे छोटे जोत में उसका खेती किया हुआ है, ताकि वो बीज उनका संरक्षित रह सके, जिसको वो अपना गौरव भी मानते हैं। साल 2023 को मिलेट ईयर यानी मोटे अनाज वर्ष के रूप में संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का ये मिशन अब भारत के एक छोटे से गांव में रहने वाले लाहरी बाई से लेकर दुनिया के बड़े बड़े देशों में भी छा रहा है। मोटे अनाज कम सिंचाई में अच्छी उपज देने वाले होते हैं, साथ ही ये पोषण के लक्ष्य को भी पूरा करने, फसल चक्र को सुचारू बनाने और छोटे किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करने वाले भी हैं।